नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। उत्तर प्रदेश के जिले जो दूसरे लॉकडाउन के बाद ग्रीन जोन घोषित हुए थे, अब उन पर कोरोना की काली नजर पड़ रही है। कानपुर देहात में शुक्रवार को 2 युवा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। एक युवक रसूलाबाद के जगमनपुर धीर गांव के मजरे बिहोरिया का है, जिसका नाम संदीप कुमार है। उसकी उम्र 29 वर्ष है। बताया जा रहा है कि ये मुंबई से वापस आया था। वहीं दूसरा रूरा क्षेत्र के बनीपारा गांव का है, जिसका नाम सत्येंद्र पांडे है। उम्र 40 वर्ष है। आपको बताते चले कि कानपुर देहात में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 हो गई है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है व एक कोरोना मरीज ठीक हो चुका है। बताते हैं पूरे यूपी में क्या हाल रहा है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 3,902 हो गई थी। इनमें से 1,742 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 2,072 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। खुशखबरी की बात है ये। गुरुवार को 147 नए मरीज आए, जबकि 102 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। सबसे अधिक 19 मरीज गाजियाबाद, मुरादाबाद में 16 और मेरठ में 14 मिले थे। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।